Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So, can we just love? Hello, everyone, welcome back to Richard's Manor. दोस्तों कोई त्योहार हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो घर में हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है बट ट्रेडिशनल वे में इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गिट्स के ये प्री मिक्स गुलाब जामुन से गुलाब जामुन बनाना इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी हुई होती है कि इसको कैसे बनाना है बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो आपके गुलाब जामुन उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है आपको कैसे बनाना है और चाशनी कैसे बनानी है सब कुछ तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो पैकेट खोलने के बाद आप देखोगे कि यहां पर इस तरीके का ये प्रीमिक्स मिलता है ये करीब 200 ग्राम का पैकेट है और इससे हमारे लगभग 35 से 40 गुलाब जामुन बन जाएंगे तो यहां पर मैं इसको ये मेजरिंग कप में डालकर आपको दिखा रही हूँ कि ये करीब डेढ़ कप जो है प्रीमिक्स मिलता है हमें और इसके पैकेट पर लिखा हुआ है कि इसमें आपको थ्री फोर्थ कप पानी या फिर दूध का यूज करना है इसको गूंदने के लिए बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा तो गूंदना है बट हमें गूंदना नहीं है इसको हमें क्या करना है कि एक स्पून लेके पहले तो इसको अच्छे से चला लें जिससे इसमें कोई भी गुठलियां हो तो वो हट जाए और इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध एड करते हुए इसी स्पून की हेल्प से हमें इसको मिक्स कर लेना है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें इसको गूंदना है अगर आप गूंदोगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो हमें ये पूरा थ्री फोर्थ कप दूध इसमें ऐड कर देना है अगर आप चाहें तो इसको पानी से भी मिक्स कर सकते हैं इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा गीला गीला सा है आपको लगेगा अब इससे गुलाब जामुन कैसे बनेंगे क्योंकि पैकेट पर लिखा हुआ है कि आप इसको गूंदने के बाद गोलियां बनाना स्टार्ट कर दीजिए और तलना स्टार्ट कर दीजिए तो वो नहीं करना है हमें यहाँ पर हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रखना है करीब पंद्रह मिनट आप इसको ढककर रख दीजिए अब चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ तो यहाँ पर मेंशन है कि 600 ग्राम चीनी में हमें सवा चार कप पानी लेना है और उससे हमें चाशनी बनानी है तो एक बड़े खुले बर्तन में हमें चाशनी को बनाना है जिससे कि जब हम जो है गुलाब जामुन इसमें भिगोएं तो वो आराम से सारी चाशनी को सोख कर सकें तो यहाँ पर मैंने छह ग्राम चीनी ले ली है और सवा चार कप पानी ऐड करके तेज आँच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है इसको हमें लगातार चलाते रहना है जिससे कि जो चीनी है वो भी मेल्ट हो जाएगी नीचे लगने नहीं पाएगी इसमें हम वन फोर टी स्पून जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अब जब आप देखोगे कि इस तरीके से पानी खूब अच्छे तरीके से तेजी से बॉयल होना शुरू हो चुका है तब हम गैस की आँच को धीमा कर देंगे और 6 मिनट के लिए इस चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं बहुत ज्यादा चलाने की अपने आप पकती रहेगी और हमें यहां पर किसी तार को बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कि चाशनी मेरी बनकर तैयार है और मैं आपको यहां पर चेक करा देती हूँ कि ये ग्लेज की तरह आपको दिखाई देगी एक चमक सी इसमें आ जाएगी एक चिकनाई सी आपको लगेगी जब आप इस तरीके से अपने फिंगर्स के बीच में इसको रखकर मसलोगे बट हमें यहां पर कोई भी चाशनी के तार नहीं बनाने हैं ये आप ध्यान रखिएगा तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी चाशनी की एकदम पतली अब आ जाते हैं फिर से गुलाब जामुन के प्रीमिक्स की तरफ तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट रखने के बाद ये आराम से अच्छे से बंधने लगा है और इसने सारा जो मिल्क था वो एब्जॉर्ब कर लिया है हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और इसको हल्का हल्का सा जो है बांध लेंगे अभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आटे की तरह इसको गूंद लेना है इतना करना है कि आपस में बंधकर ये इकट्ठा हो जाए दोबारा से हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरीके का एक स्पून ले लेंगे यहां पर मैंने प्लास्टिक का स्पून ले लिया है जिससे कि आपके सारे गुलाब जामुन एक ही साइज के बनेंगे जब आप इसमें से जो है प्रीमिक्स को निकालोगे तो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम चिकना सा मैंने जो है गुलाब जामुन बना लिया है कहीं पर भी इसमें कोई भी फटी हुई लकीर नहीं होनी चाहिए वरना आपके गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बनेंगे और वो मतलब फटे फटे से दिखाई देंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो है चम्मच जो मैंने लिया है इससे सेम साइज के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो रहे हैं और इससे लगभग मेरे पैंतीस छत्तीसगढ़ गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए थे जबकि पैकेट पर फोर्टी गुलाब जामुन के करीब लिखा हुआ था तो उससे चिंता मत कीजिए आप जितने बन रहे हैं उस हिसाब से बना लीजिए बट बहुत ज्यादा बड़ा चम्मच मत लीजिएगा वरना ये फूल कर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो फ्राई करने के लिए इसको मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है आप चाहें तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं तो ये सारे गुलाब जामुन मैंने बनाकर तैयार कर, कर लिए थे और आप देख सकते हैं कितने चिकने चिकने बनकर ये तैयार हुए हैं अब यहां पर हम आधे गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे और ये ध्यान रखना है कि तेल एकदम हल्का गर्म हो जरा सा भी ये तेज गर्म हुआ तो आपके सारे गुलाब जामुन एकदम से लाल हो जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं हल्के ही आंच पर इसको हमें पूरा फ्राई करना है जब तक कि यह पूरी तरीके से अपना कलर नहीं चेंज कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये साइज में बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे इसको धीमी आँच पर तलने से इनका कलर एकदम सुनहरा सा हो जाएगा इस बीच में हम चाशनी को एक बार और गर्म कर लेंगे क्योंकि चाशनी अब तक ठंडी हो गई थी तो चाशनी को मैंने गर्म होने रख दिया है और गुलाब जामुन भी मेरे एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हैं बिल्कुल यही कलर हमको चाहिए अपने गुलाब जामुन का तेल का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल हल्के गरम तेल में इसको फ्राई करना है या फिर जो भी आप घी वगैरह ले रहे हो जरा सा भी वो तेज आंच पर हुआ तो आपके गुलाब जामुन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो चाशनी आप देख सकते हो मैंने गर्म कर ली थी और गर्म चाशनी में मैंने इसको ऐड कर दिया है ऐड करने के बाद इसको ढककर हमें आधे घंटे रखना है तब तक हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहला बैच तैयार किया था तो दोनों बैच तैयार हैं और पहले के ही गुलाब जामुन के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है जो मैंने दोबारा तले थे और आप देख सकते हो कि जो पहले वाले गुलाब जामुन का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल कर एक ये देखिए पूरे फुल फूल चुके हैं और एकदम सॉफ्ट है अंदर से स्पॉन्जी और जो अभी मैंने ऐड किए हैं वो छोटे साइज के हैं ये भी उसी तरीके से फूल कर बड़े हो जाएंगे बस चाशनी में इनको अच्छे से डुबो दीजिए और इसको ढककर आधे घंटे के लिए और छोड़ दीजिए तो ये लीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है हमारे मार्केट जैसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी गुलाब जामुन और एकदम परफेक्ट बने हैं अगर आप इस तरीके से गुलाब जामुन को ध्यान रखकर बनाओगे हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बनाओगे तो आपके गुलाब जामुन भी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आप देख सकते हो कि मैंने इसको काटा और ये कितने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट थे इसको आप गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से या फिर आप चांदी कवर कुछ भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो और यहां मैं आपको फिर से एक और बार इसको कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना स्मूथली कट रहा है और सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने थे आई होप आप सबको ये रेसिपी कुछ हेल्पफुल लगी होगी आगे भी और भी ऐसी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग